आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टैक्स मित्रा में। तो चलिए, ई-वेबिल लागू हो रहा है कल से, तो मैं आज आपको बताऊंगा ई-वेबिल कैसे जनरेट करना है। ठीक है, तो मैं आ नहीं पाया कुछ दिनों से क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी इस वजह से। तो चलिए, लेट ही सही लेकिन आ तो गया मैं आपके लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले क्या है, आपको अगर ई-वेबिल पे जाना है तो आप सीधे जीएसटी के पोर्टल पे जाएंगे। यहाँ पे आपको ई-वेबिल सिस्टम मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको साइट नहीं पता कि ई-वेबिल की साइट कौन सी है, तो यहाँ पे आप ये आपको देखिए ई-वेबिल पोर्टल पे ये ले जाएगा। यहाँ पे यूज ऑफ ई-वेबिल, मोड ऑफ जनरेशन और उसकी वैलिडिटी ऑफ ई-वेबिल की क्या है, सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछेगा, इसको आपको प्रोसीड कर देना है। तो आप पहुंच गए ई-वेबिल की साइट पे। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डालना होगा। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ उसे लॉगिन करना होगा। और आपको पता नहीं कि यूजर नेम और आईडी पासवर्ड आपको कैसे चाहिए या वो कैसे बनाना है, तो आप उसकी मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद आपको लॉगिन पे जाना होगा। तो आपका ये पोर्टल पूरा खुल के आ गया है ई-वेबिल का। यहाँ पे आपको ई-वेबिल आपको जनरेट करना है। तो ई-वेबिल जनरेट करने के लिए आपको क्लिक करना होगा ई-वेबिल पे। ठीक है, इसके दो ऑप्शन है, एक ई-वेबिल ये वाला और एक कंसोलिडेट ई-वेबिल। कंसोलिडेट ई-वेबिल मीन्स होता है कि आपको कई सारे एक साथ करने बल्क में, तो आप यहाँ पे बल्क में कर सकते हैं, और सिंगल करना है तो आप यहाँ पे सिंगल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जनरेट न्यू करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका फर्म का नाम यहाँ पे आ जाएगा, सारी डिटेल आपकी फर्म की आ जाएगी। उसके बाद आपको ऊपर से ये बताना होगा कि ये आउटवर्ड है या इनवर्ट है, मतलब आप माल को प्राप्त कर रहे हैं या माल को भेज रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप माल को मंगवा रहे हैं यानी परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आउटवर्ड इनवर्ट इसलिए है क्योंकि उसके बाद के जो कॉलम जैसे सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, जॉब वर्क है, उस पर क्योंकि वो सेल परचेज नहीं होती है, तो यहाँ पे इसलिए वर्ड यूज हुआ आउटवर्ड और इनवर्ट, यानी माल का आना और माल का जाना, वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको माल आपके पास आ रहा है तो वो इनवर्ड, और आपको माल जा रहा है तो आपका आउटवर्ड। ठीक है, अगर आप यहाँ आउटवर्ड की जगह इन्वर्ट कर देंगे तो आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ नीचे आ जाएगी क्योंकि आपको माल आ रहा है, और आपको माल अगर जाना होगा तो आउटवर्ड, यानी आप माल भेजेंगे किसी को तो आपकी पोजीशन ऊपर होगी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद सेकेंड आता है सब टाइप। सब टाइप मतलब यहाँ पे आप जो माल भेज रहे हैं या पा रहे हैं वो है क्या, एक्चुअल में सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, जॉब वर्क है। ठीक है, अगर सप्लाई समझ में आता है, सिंपली लोगों का सप्लाई सेल परचेज है तो वो सप्लाई में आएगा। एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज, यानी बाहर से मतलब वो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। जॉब वर्क, यानी किसी को माल आप बनने के लिए देते हैं अपना गुड्स, तो वो जॉब वर्क में आ गया। ठीक है, तो इसी तरह आप सब लोग समझ गए, फेयर किया मतलब एग्जीबिशन के लिए लगाया आपने माल तो उसके लिए जा रहा है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, लाइन सेल है, अपने खुद के यूज के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। आपको रिसिपिएंट नहीं पता है उसके लिए यहाँ पे एसकेडी सीकेडी, मतलब आपको कोई भी सामान पार्ट्स में भेज रहे हैं, एक सिंगल सामान पार्ट्स में भेज रहे हैं कई भाग में, तो इसमें आ जाएगा आपका, और बाकी अदर में ही है। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा ये दोनों चीजें, ट्रांजेक्शन टाइप और सब टाइप। उसके बाद आपका थर्ड आता है डॉक्यूमेंट टाइप। ये तो आपको क्लियर ही होगा, टैक्स इनवॉइस आपका सिंपल टैक्स इनवॉइस के लिए होता है, बिल ऑफ सप्लाई यानी आपका मोस्टली कंपोजिशन के लिए होगा, बिल ऑफ एंट्री, डिलीवरी चलान, क्रेडिट नोट और अदर्स आपका, तो डॉक्यूमेंट टाइप आपको भरना होगा यहाँ पे। ठीक है, ज्यादातर आप लोगों का टैक्स इनवॉइस ही रहता है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा इसमें से जो भी आपका होगा उसको उचित आप अपना चुन लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई कंपोजिशन वाला भेजेगा कोई माल, तो वहां पे बिल ऑफ सप्लाई को चूज करना होगा इन कंपेरिजन ऑफ टैक्स इनवॉइस। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्स इनवॉइस का मान ली नंबर डालेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, डॉक्यूमेंट डेट होगी ये। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी जो डिटेल है यहाँ पे आपको मिलेंगी फिल, जीएसटी नंबर, एड्रेस, प्लेस और ये सब आपको फिल मिलेगा। उसके बाद आपको दूसरी पार्टी का
जीएसटीएन नंबर डालना होगा। जैसे आप जीएसटीएन नंबर डालेंगे ना, वो आपका आ जाएगा फिल होके। अगर आप अपना नाम चाहते हैं यहाँ पर डालना, नहीं आ रहा लिख के, तो यहाँ पे अपना नाम भर भी सकते हैं फर्म का, ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम भर भी सकते हैं फर्म का। उसके बाद ये तो आपका चीज कंप्लीट हो गया फॉर्म और टू। उसके बाद बारी आती है आइटम डिटेल्स की, ठीक है। तो आप यहाँ पे आइटम डिटेल्स डालेंगे, यानी प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, वो क्या चीज है। जैसे मान लीजिए ये मोटर पार्ट्स है, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या है, मान लीजिए ब्रेक शू, ठीक है, ब्रेक शू है, ये आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद उसका एक्सेशन कोड आपको यहाँ पे मिनिमम दो अंकों का डालना है। ये देखिए आपकी ये जो रेड वाली है यहाँ पे, ये वैल्यू मैंडेटरी है आपको डालने के लिए। देखिए आपको पिन कोड यहाँ डालना मैंडेटरी है, जिससे आपका डिस्टेंस क्लियर होता है कि इनके इनके बीच में कितनी दूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद फिर क्वांटिटी डालनी है, क्वांटिटी कितनी है आप उस हिसाब से डालिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी को 50 केजी भेजा, तो यहाँ पे 50 केजी लिखेंगे, लेकिन आपको यूनिट्स जो है इनमें से ही यूज करनी होगी। जैसे यहाँ पे देखिए लिखी हुई है बैग्स के लिए बीजीएस यूज करना है, ठीक है, और यहाँ पे क्विंटल्स के लिए क्यूटीएस। इस तरह से आपको इन्हीं उसमें से आपको यूज करना होगा। आपको अलग से कोई भी यूनिट अगर आप यूज करेंगे तो वो यहाँ पे लेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ अपने मन से अगर कुछ करेंगे तो यहाँ पे वो अपने आपको क्लियर वो करेगा ही नहीं। किलोग्राम्स के लिए आपको केजीएस लिखना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं केजी, तो उसको बता देगा कि वो आपकी देखिए इनवैलिड यू की। और जब हम लोग यहाँ पे केजीएस लिखेंगे तो उसको वो सही कर देगा, यानी ओके कर देगा, ठीक है। यहाँ पे जो रेड वाली है ये मैंडेटरी फील्ड है इस ईवे बिल के लिए। देखिए यहाँ पे इंडिकेट जो कर रही है मैंडेटरी फील्ड है ईवी बिल के लिए, और जो ग्रीन से इंडिकेट है वो मैंडेटरी फील्ड है जीएसटीआर 1 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी होगी। टैक्सेबल वैल्यू जो भी होगी आप यहाँ पे इसको फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए 10,000 हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपको टैक्स रेट फिल करना होगा, ठीक है। टैक्स रेट जो होगा वो इस प्रकार से होगा, इसको ध्यान रखिएगा। सीजीएसटी यानी ये कॉलम, एसजीएसटी ये कॉलम, यहाँ पे आईजीएसटी का कॉलम बंद है क्योंकि दोनों के जीएसटी नंबर आपके विद इन स्टेट के हैं, इसलिए यहाँ पे ये वो है। और अगर ये अलग अलग स्टेट के होते, ये अलग स्टेट का और ये अलग स्टेट का, तो यहाँ पे वो आईजीएसटी ओपन होता, सीजीएसटी एसजीएसटी बंद होता। ये देखिए ये वाला आपका जो कॉलम है सेस का है, तो इसको आप बहुत ध्यान से भरिएगा, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं बता दूं, ये आपका सीजीएसटी का है फर्स्ट कॉलम, ये एसजीएसटी का, ये सेस का है। यहाँ पे आईजीएसटी इसलिए बंद है कि ये दोनों मैंने जो जीएसटी नंबर डाले हैं वो एक ही स्टेट के डाले। जब आप इंटर स्टेट करेंगे, ठीक है, तब आपका ये आईजीएसटी आपको ओपन मिलेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पे बंद मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये सीजीएसटी मान लीजिए 9% है और एसजीएसटी 9% इस माल पे, यानी टोटल 18% जीएसटी है, ठीक है। आपको 9% लिखते ही देखिए टोटल अपने आप से कैलकुलेट कर लेगा, आपको बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप लोग भी ऑफिस समझ लीजिए, प्रोडक्ट नाम डालिएगा, डिस्क्रिप्शन डालिए, एचएसएन कोड डालना मैंडेटरी है, ठीक है। ये आप मिनिमम 2 डिजिट का डाल सकते हैं, मतलब कम से कम आपको 2 डिजिट का डालना ही डालना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ये चीज ध्यान रखिए। क्वांटिटी यूनिट्स में आपको वही यूनिट चूज करनी है जो इसमें दी हुई है, एक बार उसको आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से अपना प्रिपेयर करिएगा इसको, ठीक है। अगर बिल में कुछ दूसरी यूनिट हो तो उसको इन्हीं यूनिट्स में से कन्वर्ट कर लीजिएगा। टोटल वैल्यू करिएगा ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब जीएसटी को हटा के होगा। उसके बाद इसके यहाँ जीएसटी रेट डालेंगे, जो भी आपका है, सीजीएसटी का सीजीएसटी, एसजीएसटी का एसजीएसटी में जो भी रेट होगा, यानी अगर 18% जीएसटी है तो उसमें सेंटर का 9% और स्टेट का 9%, ठीक है। अगर कोई सेस भी है तो आप उसको सेस के कॉलम में जितना है वो डालेंगे। ये आपका पूरा हो गया कंप्लीट पार्ट ए। अब पार्ट बी जब देखते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखिए अप्रोक्स डिस्टेंस इन किलोमीटर लिखनी है, ठीक है। ये जो है अप्रोक्स डिस्टेंस बिटवीन कंसाइनर और कंसाइनी प्लेस, मतलब इन दोनों की प्लेस की जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, वो यहाँ पे आपकी मैंडेटरी है। मान लीजिए यहाँ पे 12 किलोमीटर है तो आपको 12 किलोमीटर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आपको ये चीजें पूरी क्लियर हो रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, या तो ये भरिए या तो ये भरिए, ठीक है। इसमें क्या है, आपको
ट्रांसपोर्टर का नेम भरना है, ट्रांसपोर्टर आईडी, ठीक है, और डॉक्यूमेंट नंबर, ये सब है ना, लेकिन इसमें जो मैंडेटरी फील्ड है वो आपकी ट्रांसपोर्टर आईडी है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर आईडी, यानी इसमें क्या होगा आपका ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर और ट्रांसपोर्टर इनरोलमेंट आईडी, ठीक है, जो वो यहाँ पे अपना ईवे बिल पे इनरोल करेगा ईवे पोर्टल पे, वो उसको मिलेगी, वो ट्रांसपोर्टर आईडी आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है, और ट्रांसपोर्टर का नाम डाल के आप इसको ओके कर सकते हैं, या आपको ये व्हीकल नंबर, ये वाला आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, ये व्हीकल नंबर भी बता रहा है कि आपको, जैसे ये आपको एक फॉर्मेट उसने बताया है कि इस तरह से आप अपना फॉर्मेट ऑफ व्हीकल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, जैसे यूपी का तो है ही है, उसके बाद फिर जैसे मान लिया यूपी का है तो यूपी का तो हो गया, उसके बाद फिर आपको यूपी और मतलब इस तरह के फॉर्मेट आप अपना के उसमें आप अपने हिसाब से इसको भर सकते हैं, जो आपका जो भी गाड़ी का नंबर होगा उसको इस फॉर्मेट में आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लिया यूपी 32 AR 1234, ठीक है, आप इसको भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टर का नाम या व्हीकल नंबर डाल दिया आपका, ये ओके हो गया, या तो आप ये भर सकते हैं या ये भर सकते हैं, दोनों में से आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, तो अभी तो मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों का जीएसटी, अगर आपका ट्रांसपोर्टर का जीएसटी है तो आप यहाँ पे भर लीजिए, आईडी है तो यहाँ भर लीजिए, नहीं तो आप इसको व्हीकल नंबर से ही भर के भी इसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे माल जा रहा है आपका, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसका आप डिटेल भर के यहाँ पे इसको कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, अब आपको उसके बाद फिर यहाँ पे आपको करना होगा सबमिट, आप लेकिन एक बार फिर सारी डिटेल चेक कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे सारी जो डिटेल्स हैं वो चेक कर लीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे इस पे सबमिट पे करिएगा क्लिक, ठीक है, यहाँ पे आप सबमिट है तो प्लीज देखिए सेलेक्ट ट्रांजेक्शन सब टाइप, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन सब टाइप सेलेक्ट करना था, ये वाला, ये क्या था, ये सप्लाई है, तो यहाँ पे सप्लाई आपको कर देना होगा क्लिक, उसके बाद यहाँ पे सबमिट अलर्ट सम ऑफ द फील्ड मैंडेटरी फॉर जीएसटी इज नॉट फाइल्ड बट यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विदाउट देम, मतलब आपने जो जीएसटीआर 1 वाली जो फील्ड थी, मतलब जो ग्रीन मार्क की जो फील्ड्स थी, वो अभी आपने टोटल कंप्लीट नहीं करी है, लेकिन क्या आप उसके अलावा कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पे भी कैंसिल कर दीजिएगा, यहाँ पे जो सेस का कॉलम था आपने खाली छोड़ दिया, वहां पे आप जीरो कर दीजिए, तो अब आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो गई, मतलब आपकी ये जो चीज है वो आपके लिए जरूरी है आपकी जीएसटीआर 1 के लिए, यहां से आप जीएसटीआर 1 भी आपका फिल हो सकता है, तो अब हो गया सबमिट, ठीक है, अब यहाँ पे आपका ई वे बिल आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप सिंगल ही प्रिंट कर सकते हैं, और आपको डिटेल भी चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं, मतलब सिंगल के लिए ये प्रिंट आएगा आपका, और डिटेल प्रिंट के लिए आपको इस पे क्लिक करना होगा, आपका ये डिटेल आपका आ गया ई वे बिल प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे आप सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, जनरेटेड बाय ये, और कितनी वैलिडिटी है, मोड रोड है, कितना किलोमीटर है, ठीक है, और सब कुछ आपका यहाँ पे मिल गया है आपको, ठीक है, तो आपका ये ईवे बिल हो गया है कंप्लीट, ठीक है, अब आपका सबसे मेन बात है, कंप्लीट तो आपका हो गया, लेकिन अब आपको क्या करना है कि इस ईवे बिल को करना है कैंसिल, मान लीजिए आपका कुछ हो गया गलती, ठीक है, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग है, तो हो सकता है आपका स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां आपसे हो, कुछ गलत आप भर दें, या मान लीजिए अगले की कुछ गलती हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर मान लीजिए आपका ईवे बिल गलत हो गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, आपका जो ईवे बिल है यहीं से हो सकता है कैंसिल, यहाँ ईवे बिल के कॉलम में जाइएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहीं से जनरेट न्यू हो सकता है, बल्क में भी यहाँ जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट पार्ट भी, यानी व्हीकल का भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, एक्सटेंड वैलिडिटी कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, और प्रिंट ईवे बिल को दोबारा भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कैंसिल करना होगा, ठीक है, अब आपको वो ईवे बिल नंबर यहाँ पे डालना होगा जो आपने जनरेट किया होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको जाना होगा, ठीक है, तो ये आपको ये चीजें आ गई, अब यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना होगा कि क्यों, डुप्लीकेट है, ऑर्डर कैंसिल है, डाटा एंट्री मिस्टेक है, या अदर है, तो आपको जो भी है इनमें से आप चूज कर सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है, आप अगर कुछ नहीं है तो अदर में जाके रिमार्क्स डाल सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर कैंसिल में आप यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल डाल के यहाँ पे रिमार्क डाल सकते हैं, उसके बाद इसको आप कर देंगे कैंसिल, ठीक है, और आपका ये ईवे बिल हो गया कैंसिल सक्सेसफुली, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे ईवे बिल बनाना है, कैसे उसको करना है कैंसिल, ठीक है, देखिए यहाँ पे कैंसिल लिख के आ भी गया, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप इसकी जो वो है उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे
E-waybill बनाना है, कैसे उसको करना है कैंसिल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो पोर्टल है, यहाँ पे E-waybill जनरेटेड बाई मी, E-waybill कैंसिल बाई मी, यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, मैं इस वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ बस। और आगे मतलब आपको नेक्स्ट अगर जो वीडियो चाहिए होगी वो मुझे बताइएगा। अभी बहुत सारी चीजें आपके लिए बची हुई है कि E-waybill मतलब जो आप में कौन कौन सी चीजें जो E-waybill में कवर नहीं होगी, या कब आपको E-waybill जनरेट नहीं करना है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें, अगर आपको जो भी चीजें हमसे जाननी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, और ठीक है, और अभी तक अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।